और इसे भी एक गोली खिला दी जाएगी। आज मेरे हाथ में है आयुर्वेदिक दवाई, जो कि मैं अपने हर एक कबूतर को खिलाऊंगा और आपको दवाई दिखाऊंगा। तो मैं ये रख देता हूँ दवाई और आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये है आयुर्वेदिक दवाई, इसमें बहुत सारे आयुर्वेद के गुण हैं, बहुत सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं, बहुत ही नायाब है ये। आप इसे बरोबर अपने कबूतरों को खिलाएं। ये मेरे कबूतर अभी दाना चुग रहे हैं, अब ये कबूतर जाके दाना चुगेंगे, जाके अपने बच्चों को भरेंगे और उसके बाद में इन्हें ये दवाई खिलाऊंगा। क्योंकि अगर अभी खिला दी तो इसका सारा का सारा असर इनके बच्चों को चला जाएगा, ये बच्चों को उगल देंगे या फिर बच्चे नहीं खा पाए तो इनको फेंक देंगे, ये ख़राब हो जाएगी। बाकी अभी मैं इन्हें बच्चे भर देने देना चाहता हूँ कि ये बच्चों को भर दे, उसके बाद में मैं ये दवाई अगर इनको खिलाता हूँ तो भाई ये दवाई अपने कबूतरों को लगेगी। कबूतर जो सुस्त होते हैं, कबूतर जो बिल्कुल सिप की हड्डी बाहर आ जाती है, कबूतर जो सूखे की ओर जा रहा है, कबूतर जो बीमार होने लगता है, उसे मैं ये दवाइयाँ देता हूँ। साल भर में भाई मैं कम से कम दो दो दिन का कोर्स करता हूँ सुबह शाम का, तो भाई 6 बार मैं करीब देता हूँ, ये मान के चलिए कि 2 महीने में, ठीक है भाई, 4 टाइम 1 महीने अगर मैंने दी, ठीक है, तो फिर 1 महीने की गैप दे दूँगा। ऐसी नायाब जड़ी बूटी है भाई ये, इसको आप अगर देंगे तो आपके कबूतर कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है कबूतर का सुस्ती, कबूतर का बदन हल्का होना, कबूतर का वजन कम होना, सीप की हड्डी निकल आना, परों की चमक चले जाना, ये चीज़ें आपके दड़बे में देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए ये अब मैं आपको कबूतरों को देके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारा लखा कबूतर, इसने बच्चों को भर दिया है, आप देख सकते हैं ये लखा कबूतर, ये देखिए। और अब मैं इसे खिला देता हूँ एक गोली। और भाई ये जो कबूतर है बड़ी साइज का है, इसके लिए थोड़ी बड़ी गोली। और भाई ये अभी मेरे को थोड़ी चोट लग गई, कबूतर की पेटी में कोई कील वील होगी, तो ये गोली को थोड़ा ऐसा आपको लंबा कर लेना है यूं करके। और कबूतर को मैं थोड़ा दिखा दूं आपको कैसे देनी है, ऐसे चोंच खोलना है, ठीक है भाई। कबूतर बहुत ही चटक रखते हैं भाई, और ऐसे करके उंगली से धकेल देनी है और कबूतर को ऐसे छोड़ देना है। तो भाई ये दूसरा कबूतर, और इसे भी एक गोली खिला दी जाएगी। तो भाई ये देखिए अपना कबूतर, जो घर का बहुत ही मस्त कबूतर है, इसके लॉन्ग बूट भी बहुत ही मस्त है, इसको भी हम भाई एक गोली खिला देते हैं इसके हिस्से की। तो इसको खिलाने के लिए आपको प्रोसेस पता ही है, ये आराम से चली जाती है गोली। और ये तो दोस्तों अभी हमने 3 कबूतरों को खिलाई, गोलियां बहुत सारी बची है, तो इनको मैं खिला देता हूँ। और भाई इसकी फ़ोटो थंबनेल में डाल दूँगा, ठीक है। ये डावर च्यवनप्राश की गोलियाँ, जो कि मैं अपने कबूतरों को झंडू पंचारिष्ट और वो झंडू सोना चांदी च्यवनप्राश और डावर च्यवनप्राश देते रहता हूँ, तो मैं ये भी देते रहता हूँ। तो मैं आज ये दे रहा हूँ, आपको भी देनी है बस इतनी इतनी बड़ी डालर चने के बराबर गोलियाँ बना के आपको एक एक गोली देनी है, ठीक है। एक सुबह एक शाम, फिर 1 दिन की गैप के बाद एक सुबह एक शाम, बस फिर 2 महीने तक आप कोई दिक्कत नहीं, अगर देना चाहो तो दे दें, बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए मैं तो भाई 2 महीने में 2 दिन ही देता हूँ, ठीक है। आप 1 महीने में 1 दिन दे, दूसरे महीने में 1 दिन दे, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।